हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो फॉर प्रॉब्लम एफ फ्रॉम कोड फोर्सेस राउंड 806 डिवीजन 4. येट अनदर प्रॉब्लम अबाउट पेयर सेटिस्फाइंग एन इनइक्वलिटी. ओके, सो वी विल सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जनरलाइज इट एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सी द सॉल्यूशन एंड कोड. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है. यू आर गिवन एन एरे A1 टू AN, काउंट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडिसेस सच दैट I और J 1 टू N के हों. ठीक है, एंड ये कंडीशन तुम्हारी फॉलो कर रही हो, दैट इज ए आई लेस देन आई लेस देन ए जे लेस देन जे. ठीक है, फाइन. कैसे सॉल्व होगा ये अभी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉक इज न्यूटन स्कूल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू नो वॉट यू नीड टू डू. सब्सक्राइब कर लो, सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है, बहुत सारे टेक्स्ट मिल रहा है, ब्लॉक चेन से रिलेटेड, वेब 3.0 से रिलेटेड, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो. एंड अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं देखा, यू नो वॉट इट इज ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू 100 and 1000 times. ठीक है, तो दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर एंड नॉट ओनली दिस, आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो गेट यू प्लेस एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग, तुम्हें एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है एंटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, सो जस्ट गो एंड रजिस्टर फॉर दिस इफ यू वॉन्ट ऑब्वियसली. नाउ प्रॉब्लम एफ, येट अनदर प्रॉब्लम अबाउट पेयर सेटिस्फाइंग इनइक्वलिटी. ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रॉब्लम ऑलरेडी पढ़ ली है और हमें पता है कि हम एन स्क्वायर अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, सो प्रॉबेबली वी नीड टू गो फॉर ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन लॉग एन. इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ. नाउ द थिंग इज, पेयर्स की प्रॉब्लम अगर तुम लोग एड कोडर भी सॉल्व करते हो तो काफ़ी बार कर चुके होगे. ठीक है, और अगर नहीं की, दैट्स ओके. आई एम टेलिंग यू अप्रोच सिंपली, काफ़ी बार ऐसा होता है दैट यू नीड टू डू सम प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, अगर तुम कभी भी पेयर की प्रॉब्लम कर रहे हो, इट मीन्स तुम्हें ओ ऑफ एन या ओ ऑफ लॉग इन का अप्रोच फॉलो करना है. ना ऐसे में तुम्हें क्या करना है, किसी एक चीज़ को फिक्स करना है. तुम आई जे की वैल्यू निकालने वाले हो तो तुम्हें या तो आई को फिक्स करना है या तो जे को फिक्स करना है. बाई फिक्सिंग मीन्स वॉट आई एम सेइंग इज, आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, तो आई और जे निकालनी है तुम्हें, तो तुम्हें प्रॉबेबली ऐसे फिक्स करना है कि अगर तुम आई को फिक्स कर रहे हो तो तुम ये निकालोगे कि ऐसी कितनी वैल्यू ऑफ आई है जिसके साथ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जे पेयर बना सकता है. ठीक है, सपोज आई एम इटरेटिंग इन दिस एरे और मैं जे के लिए इटरेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे ये निकालना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को जे मान रहा हूँ तो ऐसी कितनी वैल्यूज ऑफ आई हैं इस एरे में ऑलरेडी, जो इस जे के साथ आंसर बना लेंगे. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अप्रोच होती है या स्टैंडर्ड अप्रोच होती है पेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. ठीक है, फाइन. तुम कभी भी देखोगे पेयर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे यही अप्रोच यूज़ होती है. अब मैं वो करूँगा कैसे, ऐसी कितनी वैल्यूज ऑफ आई हैं जो इस जे के साथ बनाएंगी, इसके लिए मुझे प्रोबेबली सम प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, अब मैं वो कैसे करूँगा ये मुझे क्वेश्चन से देखने को मिलेगा. मुझे ऐसी वैल्यूज निकालनी. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ मिल रही है कि ए ऑफ आई मस्ट बी लेस देन आई एंड ए ऑफ जे मस्ट बी लेस देन जे. ठीक है, तो ए आई और ए जे, या फिर यू कैन से आई और जे, दोनों मेरी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, दैट जो वो इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए. इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ये प्री प्रोसेसिंग लगेगी कि मुझे अपनी एरे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स अपनी वैल्यू से बड़ा है. ठीक है, तो अब इसकी प्री प्रोसेसिंग मुझे करनी कैसे ये देखते हैं. तो मैं निकालने क्या वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ, ए आई मस्ट बी लेस देन आई लेस देन ए जे एंड जे, ये मेरी कंडीशन है जो मुझे फॉलो करवानी. ठीक है, अब मैं निकालने क्या वाला हूँ पर्टिकुलर जे के लिए कितने आई पॉसिबल है. ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये चीज़ तो पता चल गई दैट ऑल द आई विल बी इन इट्स फ्रंट साइड और इन इट्स लेफ्ट साइड. ठीक है, इस जे के लिए जितने भी आई हैं वो इसके लेफ्ट में होंगे. राइट, ओके, तो यू कैन से कि मुझे इस पूरी लेफ्ट का पहले से कुछ अंदाज़ा होना चाहिए. इट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं क्या लगानी है, प्रीफिक्स प्री प्रोसेसिंग. राइट, मुझे इसके लेफ्ट का अंदाज़ा होना चाहिए और यू कैन से मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके लेफ्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि जिनका इंडेक्स उनकी वैल्यूज से बड़ा है. राइट, तो मैं प्री प्रोसेसिंग कैसे करने वाला हूँ, मैं एक एरे, एक प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा, उस प्रीफिक्स एरे में ये स्टोर कर लूंगा या तो ये कि कौन कौन से इंडेक्स अपनी वैल्यू से बड़े हैं. ठीक
ठीक है, या तो तुम ये स्टोर कर सकते हो कि कौन कौन से इंडेक्स अपनी वैल्यू से बड़े हैं। दूसरी चीज तुम ये स्टोर कर सकते हो कि कितने इंडेक्स हैं, करंट वैल्यू अगर तुम यहाँ पे हो तो ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो तुम्हारी जो इंडेक्स अपनी वैल्यू से बड़े हैं, ऐसे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस मुझे कितने से काम नहीं चलेगा, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे क्या कंपेयर करना है, ए आई और ए जे को भी कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा, मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, उस वेक्टर में वो इंडेक्स डाल लूँगा, सपोज आई सच दैट आई इज़ ग्रेटर देन ए आई। ठीक है, वो सारे के सारे इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाल लिए, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी प्री प्रोसेसिंग जो भी मुझे करनी थी वो मैंने कर ली। अब मुझे जे के लिए इटरेट करना है। ठीक है, और मेरी बात ये रही कि मुझे इस पर्टिकुलर जे के लिए ये कैसे निकालना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ आई हैं जो इस जे के साथ पेयर बनाएंगी, वो मैं कैसे निकालूंगा ये देखते हैं। सपोज दिस इज योर वेक्टर जिसमें वो इंडेक्स हैं जो जो आई और जे बन सकते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलर इंडेक्स इस वेक्टर में इटरेट करूंगा बिकॉज मुझे जे के लिए भी वही वाली कंडीशन चाहिए, दैट जे मस्ट बी ग्रेटर देन ए जे। तो वो ऑब्वियसली जे भी इन्हीं इंडेक्स में से कोई एक इंडेक्स होगा। ठीक है, तुम्हें पूरी एरे में इटरेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है फॉर जे। तो तुम जे के लिए इटरेट किया, अब तुम्हें सिंपली क्या पता लगाना है, तुम्हें ये पता लगाना है दैट यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, जे जे के लिए तुम्हें ये पता लगाना है कि इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं, राइट, जो भी इंडेक्सेस हैं आई आई प्लस वन आई प्लस के, ठीक है, और ये तुम्हारा जे है, तो यहाँ पे तुम्हें ये पता लगाना है कि कितनी वैल्यूज तुम्हारी ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगी। ठीक है, मुझे ये ऑलरेडी पता है इस पूरी कंडीशन में, सॉरी, इस पूरी कंडीशन में मुझे ये ऑलरेडी पता है कि जितने भी आई हैं यहाँ पे, जितने भी हैं वो सारे ये फॉलो करेंगे, दैट आई विल बी लेस देन जे, दैट्स ट्रू। ठीक है, मुझे खाली ये चीज़ चेक करनी है कि ए जे जो भी मेरा यहाँ पे ए जे है, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन आई एंड मस्ट बी ग्रेटर देन ए आई ऑल्सो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यूज प्रेजेंट है, आई की वैल्यूज प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ऐसे कितने आई प्रेजेंट हैं यहाँ पे जो ए जे से छोटे हैं, ठीक है, तो वो ए आई वाली वैल्यू भी फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सिंपली फॉर नंबर ऑफ आईज विच कैन मेक पेयर विद जे आई नीड टू फाइंड आउट कि इन इंडेक्सेस पे ये जितने भी इंडेक्स हैं आई आई डैश आई डबल डैश, ठीक है, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो ए जे से छोटी हैं। ठीक है, ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली लोअर बाउंड का यूज़ करके या बाइनरी सर्च का यूज़ करके। ठीक है, मुझे इसके प्रेफिक्स साइड में बाइनरी सर्च लगानी है और उसकी हेल्प से मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो ए जे से छोटी हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, ऑलवेज यू नो दैट ऑलरेडी। ओके, ऑल्सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस इफ़ यू आर हैविंग सम थिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। ये रहा कोड, एन की वैल्यू ली, एन की वैल्यू ली, एक वेक्टर बना लिया जिसमें मैं अपने इंडेक्सेस पुश करूंगा, जो भी वैल्यूज तुम्हारी आई ग्रेटर देन ए आई हैं। ठीक है, मैंने पुश कर ली, आई 0 से था तो आई प्लस 1 कर दिया, इंट आंसर ले लिया, अपने वेक्टर ऑफ इंडेक्सेस जिसमें मैंने इंडेक्स पुश कराए थे। अब मुझे पर्टिकुलर जे के लिए नंबर ऑफ आईज निकालने, तो मैं क्या निकालूंगा, लोअर बाउंड ऑफ ए आई माइनस 1। ठीक है, ये बेसिकली ए जे है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, ये जो ए आई माइनस वन है ये ए जे है। ठीक है, और माइनस वी बिगिन क्यों किया, ताकि मुझे क्या मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी इंडेक्स हैं वो जो ए आई या ए जे से कम है। ठीक है, मैं इस वाली लाइन में क्या बेसिकली निकाल रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो ए जे से कम है। ठीक है, ऐसी नंबर ऑफ आई वैल्यूज, और जितने भी हैं हर बार मैं अपने आंसर में ऐड करता जाऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल यू कैन जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्लस इफ यू हैवेंट चेक न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम ये जस्ट गो चेक देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।